आज की रेसिपी पुआ है और ये है पुआ चावल और बेसन के आटे का। तो पहले हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं किसी बर्तन में लगभग 1.5 कप बेसन ले रही हूँ और इसमें करीब मैं 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं सूजी ले रहे हैं उसी कप से। अब मैं इसी कप से करीब 1 कप चीनी हमको लेना है, तो मैं इसमें 1/2 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। और ये गड़ी है जिसे मैं थोड़ी देर के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। और कुछ किशमिश डाल रही हूँ, यहाँ मैं थोड़ी सी नारियल कद्दूकस कर लिया था और 2 मैंने केले को छील लिया है, तो इसमें नारियल डाल दे रहे हैं। और ये छिले हुए केले को मैं अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथों से। तो मैं इसे हाथों से अच्छे से मिला ले रही हूँ। उसके बाद इसमें हम दूध डाल रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार। मुझे बैटर जो है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। तो ये देखिए ये हो चुका है, तो मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दे रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा सोडा डालेंगे और मैं 1 कप ऊपर तक मैं चीनी ले रही हूँ। चीनी जो है अपना पानी छोड़ता है, चीनी अपना पानी छोड़ता है, तो इसे मैं थोड़ी देर मिला कर छोड़ दे रही हूँ। तो ये पतला हो गया है, तो अब इसमें मैं 1 कप चावल का आटा मिला देंगे हम, ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए, यानी कि ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो। तो ये हल्का सा ज़्यादा थोड़ा मोटा हो गया, तो इसमें हल्का सा दूध मिला के हम पतला कर लेंगे। यहाँ तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो जब भी बैटर डालें ध्यान रखें तेल से थोड़ा सा ही ऊपर करके ही करछुल को डालें, ताकि पुआ जो है वो बहुत अच्छा गोल गोल होते हैं। तो ये देखिए हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलट लेंगे। तो एक हो चुका है, तो दूसरे को भी मैं इसी तरह करके बना लूँगी। ये जो पुआ है ये मैदे के पुआ से थोड़ा सा कड़ा होता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा भी होगा और ज़्यादा थोड़ा सा कड़ा होता है, लेकिन इसका स्वाद उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये मैदे और बेसन और चावल के आटे का पुआ जो है वो तैयार हो चुका है।